हेलो दोस्तों, हिंदी एंड वाइट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉइड फोन पे बैकग्राउंड में कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, चाहे फिर वो वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड हो या फिर कोई यूट्यूब का वीडियो हो, आप उसे बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। चाहे फिर कोई सॉन्ग हो, कोई मूवी हो, आप उसे देखते हुए व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक पर चैटिंग कर सकते हैं, कुछ ब्राउजिंग कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और साथ में एक पॉपअप विंडो जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा और उसमें वीडियो प्ले रहेगा, चाहे फिर वो यूट्यूब का वीडियो हो, चाहे वो आपने सेव करके रखा हो। तो दोस्तों, इस सीक्रेट ट्रिक को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अभी तक नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो प्लीज यार अभी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और साथ में एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, अगर कोई वीडियो आपकी गैलरी में डाउनलोड है और आप उसे बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसका नाम है VLC फॉर एंड्रॉइड। 100 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। ये बहुत ही पॉपुलर वीडियो प्लेयर है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो पहले ही आपके मोबाइल में सभी वीडियोज़ को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद सभी वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। अब जो भी वीडियो को आप प्ले करना चाहते हैं आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, मैं इसके वॉल्यूम को पहले कम कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस आइकॉन पर एक बार टच करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस आइकॉन पर टच करेंगे तो ये वीडियो बैकग्राउंड में प्ले हो जाएगा। एक पॉपअप विंडो आ जाएगा जिसे आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ और आप चाहते हैं कोई वीडियो सॉन्ग सुनना या कोई मूवी देखना तो दोस्तों आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप कोई ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये वीडियो प्ले रहेगा दोस्तों और आप अपनी ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इस तरह से कोई वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर आप यूट्यूब के वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो को बंद करना है तो सिंपल सा आप इसे नीचे स्वाइप कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो प्लेयर के अंदर आपको और भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप 3 डॉट पर ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको ऑडियो प्लेयर भी मिल जाता है, जहां से आप अपने MP3 सॉन्ग भी सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप YouTube की वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसका नाम है फ्लोटिंग एप्स फ्री। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको स्वाइप करना है, इसके बाद आपको ग्रैंड नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ से अलाउ कर देना है, इसके बाद एनेबल नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ से इस परमिशन को ऑन कर देना है। फिर आपको बैक आना है, स्वाइप करना है और नीचे क्लोज पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको बैक आ जाना है। ठीक है, अब बैक आने के बाद दोस्तों, मान लीजिए आपको YouTube पर कोई वीडियो देखना है बैकग्राउंड में, उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपके स्क्रीन पर इस तरह का एक आइकॉन आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके क्या फीचर्स है, इसका क्या यूज़ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कैसे आप YouTube की वीडियोस को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं YouTube को ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, मान लीजिए आपको इस वीडियो को बैकग्राउंड में प्ले करना है तो आपको क्या करना है, इस शेयर के आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़र, आप देख सकते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये वीडियो प्ले हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, हिंदी एंड्रॉइड टिप्स में आप सभी का इसे पॉज कर देता हूँ। अब दोस्तों, इसे आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साइज को रिसाइज कर सकते हैं आप इस तरह से, आप इसे रिसाइज कर सकते हैं, इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं और कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं, और आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको इसे अगर बंद करना है तो आपको इस आइकॉन पर क्लिक करना है तो ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप YouTube के वीडियो को भी बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस आइकॉन का यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, मान लीजिए आप कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, ये आइकॉन यहीं पे रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ से अगर आप किसी को कॉल लगाना चाहते हैं तो कॉल भी लगा सकते हैं दोस्तों, परमिशन अलाउ कर दीजिए, यहाँ से आप कॉल टाइप कर सकते हैं, डायल कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों यहाँ से आप
कैमरा ओपन करना चाहते हैं, कुछ ब्राउजिंग करना चाहते हैं, टॉर्च ओपन करना चाहते हैं, अपने मोबाइल की गैलरी, म्यूजिक प्लेयर जो भी ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर ओपन करना है तो यहाँ से कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, यहाँ से अगर आपको और कोई चीज़ ओपन करना है जैसे कि यहाँ पे आपको कैलेंडर ओपन करना है तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, बस आपको परमिशन देनी है ये ओपन हो जाएगा, और इस तरह से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों आपको कौन सी ट्रिक पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को अभी लाइक भी कर दीजिए और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।